नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं एसेट उस्ताद। आप लोगों की डिमांड पे आज लाया हूं आपके लिए एक रो हाउस जिसकी लैंड साइज होने वाली है लगभग 4000 स्क्वायर फीट और जहां पे आपको मिलने वाले हैं 3 कार पार्किंग। ये एंट्रेंस गेट है आपके रो हाउस का। ऐसी गेट होने वाली है और हाँ, रो हाउस के साथ साथ ये व्यू आपको एड ऑन बेनिफिट मिल रहा है गिफ्ट के तौर पे मेरे नाम से समझ लो। और इसमें मिलेंगे आपको एक कवर्ड कार पार्किंग यहाँ पे। आगे जो देख रहे हैं ये आपकी सेकंड कार पार्क हो जाएगी और यहाँ पे आपकी थर्ड कार पार्किंग होगी। ये है आपका एंट्रेंस, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सर्वेंट के लिए अलग से एंट्री दी गई है किचन में, तो ये नीचे जाएंगे और यहाँ से किचन में एक्सेस कर सकते हैं। ये उनका एक्सेस है। अभी फिलहाल चलते हैं हम आपके एंट्रेंस से और दिखाता हूँ आपको आपका रूम। यहाँ पे आप बता सकते हो आपका लिविंग एरिया, एक ग्रैंड सी लिविंग एरिया। साइजेस में स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इस साइड में आप बता सकते हो आपका डाइनिंग सेक्शन जहाँ पे आप आपके बच्चे और भाभी जी डाइनिंग खाना खाएंगे, ठीक है। और ये है आपका किचन, एक ग्रैंड सी किचन। सारे साइज में आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था, सर्वेंट्स के लिए एंट्री यहां से है तो वो किचन में एक्सेस कर लेंगे। आपको यहां पे मिल जाती है लंबी सी प्लेटफॉर्म, यहां पे सिंक, वार्डरोब्स, कैबिनेट्स आप लगा सकते हो और नीचे मिल जाता है आपको एक बेडरूम। इस बेडरूम की खासियत ये है कि जो सीनियर सिटीजन जैसे हैं हमारे घर में, जैसे मेरे पापा हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो वो यहाँ पे आराम से अच्छे से रह सकते हैं और उनके लिए कई सारे बेनिफिट्स मिल रही है। कमोड है, घर शावर है और यहाँ पे आपके आएंगे वॉश बेसिन। और ये आपको मिल रही है एल्युमिनियम कोटेड 3 लेयर में आपके ग्लास डोर्स। इसमें दो लेयर में आपको मिल ग्लास, एक लेयर में होंगे आपकी मॉस्किटो नेट। यहाँ पे जो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि नीचे आपको वॉशरूम में आपको सीनियर सिटीजन के कुछ मिलने वाले, तो वो ये है कि कुछ हैंडल्स, जैसे अगर बुजुर्ग लोग जाते हैं अंदर, ठीक है, तो हैंडल्स कुछ उनको मिलेंगे, वो पकड़ के आराम से बैठ सके या शावर कर सके, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी गार्डनिंग करने के लिए अच्छी खासी स्पेस, काफी एक अच्छी खासी स्पेस है, बड़ी सारी स्पेस है। और इस साइड में आपके एमिनिटीज आ रही है, इस साइड में बच्चों के लिए एमिनिटीज यहाँ पे काफी ज्यादा 40+ एमिनिटीज है, जिसमें आपको स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, ब्ला ब्ला, देयर लॉट ऑफ एमिनिटीज है। कुछ एमिनिटीज के पार्ट यहाँ पे आएंगे और कुछ आगे वाले साइड में आएंगे। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये आपकी गार्डनिंग के लिए आपको मिल सकता है परचेस करने के बाद, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ ऊपर। ये है फर्स्ट फ्लोर, इस साइड में आपको मिलता है आपका सेकंड बेडरूम और इस साइड में आपको मिलता है आपका थर्ड बेडरूम। तो पहले सेकंड बेडरूम में देखिए, ये बेडरूम है जिसके साइज में आपको स्क्रीन पे दूंगा, अटैच वॉशरूम है, आइए, शावर, कमोड, वॉश बेसिन। एंड यहां पे आपको मिल जाती है आपकी बालकनी जहां से आप देख सकते हो आपने जो नीचे गार्डनिंग की है वो आप देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी टॉप टू बॉटम जो हाइट है लगभग 27 फुट की है टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे अच्छा सा झूमर आप यहाँ पे भी लगा दो और एक बहुत ब्यूटीफुल आपको व्यू मिलने वाला है अगर आप लगा दो। ये आपका थर्ड बेडरूम, इसमें आराम से चिल करो, मजे करो।
साइज़ में दे दूंगा स्क्रीन पे, ये अटैच हो चुका है। और यहाँ पे मिल जाती है आपको आपका टेरेस। एक अच्छी खासी टेरेस है, साइज बहुत अच्छी है। और कैसा है कि यहाँ पे आपको जो व्यू मिलने वाला है ना, बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आप स्टोरेज टाइप का बना सकते हो। व्यू तो बहुत अच्छा, वाकई में बहुत अच्छा। मैं इसका बताऊं, आपने जो देखा अभी रो हाउस लगभग 4000 स्क्वायर फीट में है, लगभग 3900 समथिंग है, बट मैं इसको 4000 स्क्वायर फीट बोल रहा हूं। और इसकी जो प्राइसिंग हो रही है जस्ट 1.76 crore, जिसमें आपको समझो 4000 स्क्वायर फीट का लैंड मिल रहा है, इतना अच्छा ब्यूटीफुल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ मिल रहा है, और ये वादियाँ आपको मिल रही है। तो फोन उठाओ, कॉल करो और साइट विजिट के लिए आओ मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।